हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आज के इस ब्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वायरलेस माइक के बारे में, जो कि मैंने अमेजोन से मंगवाया है। और इसकी हम प्राइस की बात करें तो 2399 रुपये का ये माइक मुझे अमेजोन से मिला है। और ये जो माइक है ग्रैनर को आता है, और काफी जो यूट्यूबर्स हैं इस माइक को यूज करते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बिल्कुल होनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ कि किस तरीके का ये माइक है, क्या कुछ हमें इसमें मिलता है, क्या अगर हम मूव करते हैं तो उस दौरान क्या हमारी जो ऑडियो है वो कटती है या नहीं कटती है, सारा कुछ दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर दोस्तों आपने मेरे इस ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि दोस्तों जब भी मेरा नया ब्लॉग आएगा तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरीके की जो पैकेजिंग है हमें अमेजोन की तरफ से यहाँ पर मिली है, इस तरीके का बॉक्स हमें मिला है। तो चलिए इसको हम ओपन करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके का माइक हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इस तरीके इसमें सील लगी होती है, तो पहले हम सील को निकाल देते हैं। ये देखिए, सील हमने यहाँ पर निकाल ली है, और इसको हम खोल लेते हैं। यहाँ पर शायद ऊपर से खुलने वाला है, इस रेपर्स को हम थोड़ा सा सावधानी से निकालेंगे, जिससे कि हमारी जो पैकेजिंग है वो ख़राब ना हो। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर इसकी पैकेजिंग निकाल ली है, और इस तरीके की पैकेजिंग हमें मिली है। ये मेरा बिल है, यहाँ पर इसको हटाता हूँ एक तरफ, और ये आ जाता है हमारा ग्रेनारियो का वायरलेस माइक। चलिए मैं बॉक्स को एक तरफ रखता हूँ। इस तरीके की पैकेजिंग दोस्तों हमें यहाँ पर मिलती है इसकी, ग्रेनारियो की। और ग्रेनारियो का जो ब्रांड है यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके का केस इसमें हमें मिलने वाला है। तो चलिए फटाफट इसको हम खोल लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरीके का जो केस है हमें यहाँ पर मिलता है, और जो केस है पूरा, ये भी पूरा पॉलीथीन में पैक हो के आया है। ये देखिए, बिल्कुल न्यू फ्रेश जो वायरलेस माइक है हमें यहाँ पर मिला है। इस तरीके से ये पॉलीथीन में पैक होकर आया है, और ये इस तरीके का जो केस है हमें यहाँ पर देखने को मिला है। और इसको हम जैसे यहाँ पर खोलते हैं तो इसमें हमें एक यहाँ पर ट्रांसमीटर मिलता है। ये इसका ट्रांसमीटर है जहाँ से हम ऑडियो वगैरह ट्रांसफ़र करते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर इसमें जो दो रिसीवर हैं ये हमें मिलते हैं, जहाँ से जो ऑडियो वगैरह है वो रिसीव होती है। ये देख सकते हैं, दो रिसीवर हमें यहाँ पर मिलते हैं, और चार्जिंग के लिए हमें यहाँ पर पॉइंट मिल जाते हैं। इस केस में जब हम इस माइक को रखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो केस है इन माइक को चार्ज करना शुरू कर देता है। तो अगर आप YouTube पे वीडियो बनाते हैं, सिंगल पेयर अगर आप यूज करना चाहते हैं वो यूज कर सकते हैं, और अगर आप किसी का इंटरव्यू वगैरह लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप काम में ले सकते हैं। फिलहाल इसका जो इंडिकेशन है वो किस कारण से नहीं चल रहा है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जब हम इसको निकालते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं इसमें सील लगी हुई होती है, और सील की वजह से इसका जो इंडिकेशन अभी शो नहीं हो रहा है। तो पहले मैं यहाँ पर इसकी सील हटा देता हूँ, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि ये जो केस है ये चार्ज कर पाता है या नहीं कर पाता है। तो ये देखिए, मैं इसको वापस से लगाता हूँ, और जैसे मैं इसको लगाता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं 100% इसकी जो पावर है अभी बता रहा है, 100% ये जो केस है फिलहाल चार्ज है। और ये टाइप सी पोर्ट आता है, टाइप सी मोबाइल में आराम से ये लग जाता है। और इसके साथ में हमें क्या मिलता है तो ये भी देख लेते हैं। ये देख सकते हैं, इसमें एक बॉक्स और आता है। तो इस बॉक्स को जैसे हम यहाँ पर निकालते हैं तो इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है, चलिए थोड़ा सा आराम से निकालना पड़ेगा नहीं तो बॉक्स ख़राब हो जाएगा। ये देख सकते हैं, इस तरीके से ये केस आता है जिसमें हमें क्या क्या मिलता है। दो टाइप सी OTG मिलती है हमें, ये देख सकते हैं। इसमें आप 3.5 mm का जैक लगा के और सुन सकते हैं। ये देख सकते हैं, दो हमें यहाँ पर OTG मिली है, और एक मिला है यहाँ पर आईफोन के लिए OTG। देख सकते हैं, यहाँ पर आप आईफोन में लगा के और फिर टाइप सी यहाँ पर इसमें लगा सकते हैं। और इसके बाद में USB केबल मिली है, जिससे हम इस केस को भी चार्ज कर सकते हैं, और जो इसमें माइक्स वगैरह दिए हुए हैं उनको भी हम चार्ज कर सकते हैं दोनों में लगा के। थोड़ा मैं दिखाता हूँ आपको ओपन करके। ये देख सकते हैं, यहाँ पर हम इसको निकालेंगे और इस तरीके से जो रिसीवर है इसमें हम लगा देंगे इस तरीके से, और इसको कहीं पर भी आप जो आपका मोबाइल का चार्जर आता है, एडेप्टर आता है, उसमें लगा के और इसको इजीली चार्ज कर सकते हैं। और ये जो केस है दोस्तों ये भी इससे ही चार्ज हो जाएगा, ये जो एक पॉइंट बचा है इसका, इसको अगर आप यहाँ पर इस तरीके से लगा कर और फिर इसको चार्ज करते हैं तो आप रिसीवर को भी चार्ज कर सकते हैं और साथ में इस केस को भी चार्ज कर सकते हैं। और इसका यूजर मैनुअल देखते हैं, यूजर मैनुअल भी इसमें दिया हुआ है, कितने घंटे का बैकअप है, क्या कुछ फीचर्स हैं, सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूं।
ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाए कि किस तरीके का ये ग्रेन आरियो का वायरलेस माइक आता है और किस तरीके से ये वर्क करता है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर ये जो यूजर मैनुअल गाइड भी मिली है, तो इसमें आप सारा जो डिटेल इसमें पढ़ सकते हैं किस तरीके से ये जो माइक ये वर्क करता है, कौन से लेवल पे कौन सा बटन काम करता है, किस तरीके से काम करता है, सारा कुछ आप यहाँ पर पुश करके पढ़ सकते हैं। और थोड़ा सा मैं आपको बता भी देता हूँ कि फिलहाल जो अभी ऑडियो आ रही है ये मेरे केएट माइक की है, और चले मैं इसका जो मतलब ट्रांसमीटर है उसको मैं लगा लेता हूँ अब यहाँ पर अपने मोबाइल पर, और फिर इसके फीचर्स आपको बताता हूँ। तो दोस्तों अभी जो आपको आवाज़ आ रही है ये ग्रेन आरियो माइक की आ रही है, और इस बटन को जब आप पुश करके रखेंगे तो ये जो माइक है देखिए यहाँ पर वर्क करने लग गया है। इसको अगर आप होल्ड करके रखेंगे तो ये जो माइक है बिल्कुल म्यूट हो जाएगा। यहाँ पर पुश करता हूँ तो ये जो माइक है वापस से वर्क करने लग जाएगा। तो चलिए इसके हम रेंज चेक कर लेते हैं, बाहर मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी रेंज तक ये जो माइक है ये काम करता है। तो दोस्तों अभी जो ग्रेन आरियो का माइक है मैंने यहाँ पर कॉलर पर लगा लिया है, और इसका जो नॉइस रिडक्शन लेवल है आप देख सकते हैं किस लेवल का जो नॉइस रिडक्शन अभी आपको आ रहा है। और फिलहाल मैंने इसका जो लेवल है एक भी नहीं किया है, और अब मैं यहाँ पर देखता हूँ इसका जो नॉइस लेवल है वन भी मैं करता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर एक बार प्रेस करता हूँ तो इसका जो ऑडियो लेवल है आप देख सकते हैं किस तरीके का जो ऑडियो लेवल है आपको सुनाई दे रहा है। और वापस से मैं दोबारा इसको एक बार फिर प्रेस करता हूँ, ये देखिए सेकंड लेवल का जो नॉइस रिडक्शन लेवल है आपको यहाँ पर सुनाई दे रहा होगा। और अगर आप ज़्यादा ही इस शोर शराब वाले इलाके में हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शोर शराब हो रहा है, तो उस जगह पर आप ब्लॉगिंग करते हैं या फिर कोई वीडियो वगैरह शूट करते हैं तो तीसरा लेवल का देखते हैं आप। मैं फिर से यहाँ पर तीसरे लेवल पर आ चुका हूँ, और तीसरे लेवल पर आपको किस तरह की जो ऑडियो यहाँ पर सुनाई दे रही है, और मैं आपसे पीछे जाता हूँ कि मेरी जो ऑडियो है वो कट रही है नहीं कट रही है, क्योंकि बहुत से जो माइक आते हैं उनमें दिक्कत आती है कि जो ऑडियो है वो कटती नहीं कटती। तो मैं तकरीबन यहाँ पर 50 फीट से ज़्यादा की डिस्टेंस पर खड़ा हुआ हूँ, और इस तरीके का जो ऑडियो लेवल है अभी आपको सुनाई दे रहा है नहीं सुनाई दे रहा है। और ये जो ग्रेन आरियो ब्रांड है काफ़ी अच्छा है, मतलब काफ़ी जो यूट्यूबर्स वगैरह है इसको यूज करते हैं, तो आपको मेरी ये वीडियो देखने के बाद में हेल्प हो जाएगी कि आपको ये जो माइक है लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसका जो ऑडियो लेवल है कैसा है, किस तरीके से ये वर्क करता है। तो सारा कुछ जो पीछे से दोस्तों मैंने आपको बता दिया है, अगर दोस्तों आपको लगता है कि ये माइक हमें लेना चाहिए तो आप इस वीडियो को देख के ले सकते हैं और समझ सकते हैं कि जो माइक है प्रॉपर तरीके से वर्क करता है या नहीं करता है। और इसका जो मतलब बैकअप ओवर है, मतलब 7 घंटे का इसका बैकअप मान सकते हैं हम, 7 घंटे तक ये जो माइक ही वर्क करता है। तो आए दोस्तों आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा और यूजफुल भी लगा होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।